हाय स्टूडेंट्स, सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लास्ट चेकलिस्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ही एक एसोसिएटेड सेक्शन है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। छोटा सा सेक्शन है लेकिन कई बार जेई मेन में नीट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इस चेकलिस्ट में मैं क्विकली कवर करूंगा। बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, कई स्टूडेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्किप भी कर देते हैं। सो अगर आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अच्छे से कवर कर लिया है तो सिर्फ इस चेकलिस्ट के बेस पे आप अपने कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट को डिटेल में कवर अप कर सकते हैं और जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ कवर करूँगा इनकी चेकलिस्ट आप अपनी कॉपी के अंदर खुद सेल्फ चेकलिस्ट बना लीजिए और स्टे ट्यून, क्योंकि अगर आपके एग्जाम बहुत पास में है तो विद इन अ डे विद इन कपल ऑफ आवर्स आप पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थॉरली इस चेकलिस्ट से रिवाइज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा जो भी स्टूडेंट फिजिक्स गैलेक्सी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं उसमें प्रीवियस 18 ईयर्स की जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बुक है फिजिक्स गैलेक्सी की, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर ऑल द टॉपिक वाइज क्वेश्चन। आपकी पर्सनल चेकलिस्ट इस पिछले सालों के क्वेश्चन से आप बना सकते हैं, नहीं देखा है तो चेकलिस्ट वीडियो को भी देख के आप हेल्प ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए बहुत असेंशियल है कि आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप को समझें। दो तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक मीनिंग सिर्फ एक एड की तरह से, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप नेकेड आइज से डिटेलिंग नहीं देख सकते तो आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा गैजेट चाहिए जिससे आप उस ऑब्जेक्ट की और माइक्रो डिटेलिंग को केयरफुली ऑब्जर्व कर सकें, एनालाइज कर सकें। सच गैजेट्स और एड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर हम टाइप वन की बात करें तो टाइप वन होता है विच प्रोड्यूस रियल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट की रियल इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड में भी देखा था, जब रियल इमेजेस देखनी हो तो रियल इमेजेस को हमेशा एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करना पड़ता है, देन ओनली वी कैन सी द रियल इमेजेस क्लियरली। प्रैक्टिकली बात करें, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के वन साइड अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो भी हमारी इमेज प्रोड्यूस होगी अगर यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है exactly at a distance v from this lens, if you use the object distance, तो इसकी जो इमेज प्रोड्यूस होगी, इमेज फॉर्मेशन के मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, बाय लेंस फार्मूला इमेज की लोकेशन आ जाएगी। और इमेज लोकेशन पे अगर स्क्रीन है तो यहाँ पे जितनी भी लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं वो इस स्क्रीन पे पिन पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं और एक शार्प इमेज प्रोड्यूस होती है। अगर ये इमेज थोड़ी आगे या थोड़ा पीछे बने, या हम ये कहें कि स्क्रीन को थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे डिस्प्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगी इस स्क्रीन के ऊपर वो शार्प इमेज प्रोड्यूस नहीं करेंगी, इमेज ब्लर हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी या फैल जाएगी या फट जाएगी। सो वी कैन से कि टू प्रोड्यूस शार्प इमेज हमको स्क्रीन एग्जैक्टली इमेज प्रोडक्शन पॉइंट यानी इमेज का जो लोकेशन है एग्जैक्टली उस पॉइंट पर स्क्रीन रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। और हम इस साइड से कहीं से भी अगर देखेंगे तो सभी ऑब्जर्वर जो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं ये इमेज स्क्रीन पे दिखाई देगी क्योंकि लाइट इस स्क्रीन से स्कैटर होगी। दिस द वे हाउ रियल इमेजेस आर सीन। सो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं टाइप वन, इनके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मगर पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। सो अगर हम टाइप के एग्जाम्पल की बात करें इस टाइप में, सो प्रोजेक्शन इज अ बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आप सिनेमा हॉल्स में, मूवी थिएटर्स में जो स्क्रीन पे मूवीज देखते हो वो प्रोजेक्टर के द्वारा प्रोजेक्ट की गई होती है, और प्रोजेक्टर इज दिस टाइप ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूसेस रियल इमेज ऑन अ स्क्रीन। स्पेक्ट्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं और रियल इमेजेस या स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो एनीवे, ये जो टाइप वन है इसके बारे में बहुत ज्यादा हम डिटेल में इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, वी आर मेनली गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप टू। टाइप टू आर दोज विच प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज। सो जब ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होती है तो हमको पता है वर्चुअल इमेज किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होती हैं। यानी अगर एक टाइप टू की मैं प्रैक्टिकल बात करूं और एक लेंस के ही बारे में बात करूं
तो वर्चुअल इमेज तब प्रोड्यूस होगी जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं पड़ा होगा. सो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन, लाइट रेज जो फोकल पॉइंट से और ऑप्टिक सेंटर से पास होंगी ये पीछे बैक पॉइंट पे किसी जगह पे मिलेंगे एंड दिस इज अ वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस लेंस. सो ये जो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हुई है ये जनरली एनलार्ज ही होती है इन सच केसेस जो हमने अब तक पढ़े हैं या दोज केसेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. यहाँ से ये जो लाइट रेज जा रही है दीज आर डाइवर्जिंग रेज. हमेशा जब भी वर्चुअल इमेज होती है तो फाइनल जो लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन मिरर से भी प्रोड्यूस हो सकता है ये डाइवर्जिंग होंगी. सो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर लोकेटेड है, ह्यूमन आई है, सो इन दिस ह्यूमन आई जब ये वाली लाइट रेज एंटर करेंगी डाइवर्जिंग रेज तो आई को ये वाली इमेज ऑब्जर्व होगी. इसका मतलब ये जो टाइप टू इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में मैंने बताया विच प्रोड्यूस वर्चुअल इमेजेस, तो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करी गई है अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा तो उसको देखने के लिए एक ऑब्जर्वर आई जरूरी है. मल्टीपल ऑब्जर्वर की बजाय एक ही ऑब्जर्वर से वर्चुअल इमेज कंफर्टेबली ऑब्जर्व की जा सकती है. वेयर एज इन केस ऑफ रियल इमेज और स्क्रीन मल्टीपल ऑब्जर्वर होने से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्रीन टोटली स्कैटर करती है लाइट को. तो दैट्स वाई यू नो वेल की सिनेमा हॉल्स में स्क्रीन प्रोजेक्शन को किसी भी डायरेक्शन से देखा जा सकता है क्योंकि स्क्रीन ग्रैनुलर होती है. वेयर एज वर्चुअल इमेज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या जिसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं जो हम पढ़ चुके हैं सिर्फ उस फील्ड ऑफ व्यू में से देखी जा सकती है चाहे जितने भी ऑब्जर्वर हों. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इमेजेस. अब आगे बढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में मेनली टाइप टू बारे में ही स्टडी करेंगे और अगर आपको आइडिया है तो ये चीज भी पता होगी कि हमारे सिलेबस में बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में बात करने वाले हैं. लेकिन किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए टाइप टू वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए ह्यूमन आई का आइडिया होना जरूरी है कि हाउ आई इज एबल टू ऑब्जर्व एंड परसीव इमेजेस. सो सबसे पहले हम आई के बारे में बात करेंगे एंड देन विल प्रोसीड टू द टाइप टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप एंड सम अदर पैरामीटर्स रिलेटेड टू सेम वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो आगे बढ़ते हैं. पोजी प्लीज बोर्ड को क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट एज आई एक्सप्लेन्ड यू कि हम सबसे पहले आई के बारे में एनालिसिस करेंगे क्योंकि आई को समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करने के लिए. सो अगर ह्यूमन आई के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो फिजिक्स गैलेक्सी बुक में ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन है. यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. मैं सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बताऊँगा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट समझने के लिए ज़रूरी है. इफ देयर इज एन आई बॉल, हमारा आई लेंस है और आई लेंस को ऊपर और नीचे से या ये कहें थ्री डायमेंशनली देखेंगे तो चारों तरफ से आई लेंस को जिन मस्क्यूलर टिश्यूज से होल्ड किया हुआ होता है इन्हें हम कहते हैं सिलरी मसल्स. दीज मसल्स आर एक्सट्रीमली एक्टिव इन फॉर्मिंग इमेज एट रेटिना. बैक साइड ऑफ आई बॉल जो होता है दिस वी कॉल एज रेटिना. और आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, आई एम जस्ट बाईपासिंग दिस. हम कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं. जो आई लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है इस पे कोई भी अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है सो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की जो लाइट रेज आई लेंस पे आएंगी पैरेलल आएंगी और वो लाइट रेज फाइनली रेटिना पे इमेज प्रोड्यूस करती हैं. जनरली आई लेंस और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. यानी इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेस फाइनली इमेज प्रोड्यूस करती है रेटिना के ऊपर और आई रिलैक्स स्टेट में होती है. अगर कहीं और आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, अगर यहाँ पे कहीं एक ऑब्जेक्ट लोकेटेड है सो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, कहीं और बनेगी. लेकिन अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनती है तो हमारा जो ब्रेन है वो इमेज को शार्प सेंस नहीं कर पाएगा. रेटिना इज लाइक अ स्क्रीन. जो हमने अभी बात करी थी कि एक स्क्रीन पे क्लियर शार्प पिक्चर इमेज तभी प्रोड्यूस होती है जब स्क्रीन एग्जैक्टली इमेज की लोकेशन पे लोकेटेड हो. तो सो प्रैक्टिकली यहाँ पे रेटिना पे इमेज तब बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है. लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्ट पास है तो इन दैट केस इमेज कहाँ होगी, हम अच्छी तरह से जानते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के केस में इन्फिनिटी की इमेज फोकस पे बनती है. जब पास आते हैं तो इमेज एफ से पीछे शिफ्ट होती है. जब ऑब्जेक्ट 2f पे आता है तो इमेज भी 2f पे और वैसे पीछे शिफ्ट होती जाती है. सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज रेटिना के पीछे चल जाएगी, यानी रेटिना पे ब्लर्ड इमेज बनेगी या फटी हुई इमेज बनेगी जो हम अभी बात कर रहे थे. लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता. यहाँ पे हमारे सिलरी मसल्स रोल प्ले करते हैं. ये आई लेंस को थोड़ा सा पुश करते हैं. आई लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलता है और आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होकर ऐसे एडजस्ट हो जाती है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो
इमेज शार्प रेटिना पे बन जाए, इसलिए हमको क्लियर इमेज दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, आप समझ सकते हैं आई लेंस को उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या सिलरी मसल्स को उतना ही प्रेशर डाल के इस लेंस की कर्वेचर को चेंज करना पड़ेगा। सो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, आप ये कह सकते हैं देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये सिलरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस के कर्वेचर को जैसे भी प्रेशर डाल के ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि इमेज रेटिना पे बन जाए। लेकिन इससे ज़्यादा पास लाएंगे तो सिलरी मसल्स हेल्पलेस हो जाते हैं और फाइनली ह्यूमन टिश्यू, जो ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज़ हैं, वो आई लेंस को एडजस्ट या अकोमोडेट नहीं कर पाते क्लियर इमेज बनाने के लिए। आप चाहे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, आपके हाथ में पेन है, इसको दूर रखिए, पास लाते जाइए, एक डिस्टेंस के बाद आपको इस पेन की इमेज को या टिप को क्लियर देखने के लिए आईज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालना पड़ेगा, या स्ट्रेस डालने के बावजूद भी आप क्लियर नहीं देख पाएंगे। सो हम एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ तक आई लेंस आराम से कम स्ट्रेन के साथ, लीस्ट स्ट्रेन के साथ कंफर्टेबली रेटिना पे इमेज बना पाता है या ब्रेन प्रॉपरली सेंस कर पाता है, क्योंकि रेटिना पे जो भी इमेज बनती है उल्टी बनती है और यहाँ पे पीछे ऑप्टिक नर्व होती है और ऑप्टिक नर्व में से क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स, वो सिग्नल सेंस करते हैं और ये ब्रेन को जाता है सिग्नल इंटरप्रेट करने के लिए कि कैसी इमेज प्रोड्यूस हो रही है। सो दिस अ बेसिक फंडा ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जब इमेज यहाँ प्रोड्यूस होती है तो अगर वो शार्प है तो ब्रेन उसको शार्प सेंस करता है। द फिनोमेना इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द सिग्नल्स कि कैसे न्यूरॉन्स सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, बायोलॉजी का पार्ट है। बट यहाँ पे आपको इतना समझना है कि नियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है हर ह्यूमन आई के लिए जिसके पास लाने पे आई को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ेगा या स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, स्ट्रेन डालना पड़ेगा उस इमेज को क्लियर ऑब्जर्व करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को क्लियर बनाने के लिए रेटिना पे। सो नियर पॉइंट इज द पॉइंट जहाँ तक हम आराम से कम स्ट्रेन से ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, और फार पॉइंट भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ तक ह्यूमन आई क्लियरली ऑब्जर्व कर सकती है। नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करेंगे तो फार पॉइंट इन्फिनिटी पे लोकेटेड होता है, बट कई बार आई डिफेक्ट्स होते हैं इसलिए फार पॉइंट इन्फिनिटी की बजाय इन्फिनिटी से पास आ जाता है। इसलिए फार पॉइंट और नियर पॉइंट दो पॉइंट समझना जरूरी है। जनरली नियर पॉइंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो मैंने थोड़ा सा आई की एक्सप्लेनेशन को डिटेल में लिया है, वो इसलिए क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए आई की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इमेज बना रहा है वो आई ऑब्जर्व कर रही है, तो आई के केस में वो इमेज ऑब्वियसली नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में ही बननी चाहिए। अगर नियर पॉइंट के पहले बन गई तो आई को वो इमेज दिखाई नहीं देगी, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट करते हुए बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस टेक अप वन बाय वन ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बट उससे पहले एक चीज़ और है, दैट इज एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को क्विकली टेकअप करते हैं इन दिस चेकलिस्ट। सो आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट हम बात करते हैं एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इन नॉर्मल केस ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप ये कह सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट के साइज़ की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे, इरेक्टेड या इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे ऑब्जेक्ट या इमेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक इन केस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे हम आई के परसेप्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे टाइप टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जहाँ ह्यूमन आई इमेज को ऑब्जर्व करती है, चाहे आप माइक्रोस्कोप से करें, टेलीस्कोप से करें या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से करें। सो यहाँ पे अगर एक ह्यूमन आई है और आई की एक्सिस है, ये बात हम ऑलरेडी पिछले पॉइंट में कर चुके हैं कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आई को वो बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए, बिना सिलरी मसल्स के एफर्ट्स के, स्ट्रेस के, वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। सो अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्चुअल जो हाइट हमारे पास दी गई है वो है एच ओ, एंड इट इज़ लोकेटेड समवेयर बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, ऑब्वियसली जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट उतना आई पे स्ट्रेन कम आएगा, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इन दिस सिचुएशन जब इस ऑब्जेक्ट को ये आई देखेगी तो इसको, ये ऑब्जेक्ट अगर इसकी टॉप और बॉटम पॉइंट को आई से ज्वाइन किया जाए तो यहाँ पे आपको ये एक एंगल दिखाई देगा, दिस एंगल इज थीटा, विच वी कॉल एंगुलर साइज
ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्चुअली आई के परसेप्शन के लिए यही ऑब्जेक्ट का साइज होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ या ब्रेथ मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि वो आई पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट जब हमसे दूर होता जाता है तो साइज सेम होने के बावजूद आई को उसका साइज छोटा अपीयर होता है। ऑल ऑफ यू नो सन का साइज जो हमको दिखाई देता है और जो एक्चुअल होता है दोनों में फ़र्क है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। और यही ऑब्जेक्ट जब अगर नियर पॉइंट के पास आ जाएगा, आप देखिए इसकी हाइट हम वही लेके चल रहे हैं एच ओ, लेकिन अब अगर ये यहाँ पे है तो द एंगल विच इट इज सबटेंडिंग ऑन आई वुड बी दिस वन, दिस थीटा टू, दिस वॉज थीटा वन। सो एंगुलर साइज आप देखिए इंक्रीज हो गया, सो आई को इसका परसेप्शन भी बड़ा अपीयर होगा। दैट्स वाई इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंगुलर साइज एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। सो आप यहाँ डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर जो इनिशियल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी वो आई से x1 डिस्टेंस पे थी और फाइनल पोजीशन जो हमने कंसीडर करी है वो x2 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे थीटा 1 हम लिख सकते हैं h0 बाई x1 और थीटा 2 वी कैन राइट एज h0 बाई x2। क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो tan थीटा को स्मॉल एंगल लेके थीटा, tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिखा जा सकता है। सो दिस द वे हाउ वी कैलकुलेट दी एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं भी बन रहा हो, इमेज कहीं भी बन रहा हो, इमेज की एक्चुअल साइज से आप आई से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से डिवाइड कीजिए। दिस गिव्स यू द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और एंगुलर विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट दिमाग में रखना है क्योंकि एक्चुअली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दिस गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, विच ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर ऑफ। सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को अगर यूज किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने रख के, अगर उससे हम अपना डिस्टेंस ऐसे एडजस्ट करें कि जो फाइनल इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज बने और हमारी आई के नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में बने, तो आई को क्लियरली दिखाई देगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है और साइज मैग्नीफाइड होगा। आप देख सकते हैं जो पिक्चर यहाँ दिखाई दे रही है, एक सिंपल न्यूज़पेपर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास और न्यूज़पेपर के बीच का डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ होने से इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है और हमें दिखाई दे रही है डाइवर्जिंग रेज की वजह से। अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो इस कॉन्सेप्ट को केयरफुली देखा जा सकता है। पोजी प्लीज़ कॉन्सेप्चुअल पिक्चर्स ओपन करो। फाइन। सो आप देखें यहाँ पे हमने एक एच नॉट हाइट का ऑब्जेक्ट लिया है, एच ओ हाइट का ऑब्जेक्ट लिया है और उसको आई से डी डिस्टेंस यानी नियर पॉइंट पे रखा हुआ है। तो इस सिचुएशन को आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेस सिचुएशन, इसे बेस सिचुएशन कहा जाता है बिकॉज बेस सिचुएशन वो सिचुएशन है कि अगर गिवन ऑब्जेक्ट आई से नियर पॉइंट पे रखा जाए जहाँ पे कम से कम स्ट्रेन में आई कंफर्टेबली इमेज को देख पाती है, या ये कहें कि बियरेबल स्ट्रेन की मैक्सिमम लिमिट होती है जहाँ पे कि देखी जा सकती है, अगर पास लाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ जाता है के ऊपर। सो इन दिस सिचुएशन जो भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर विड्थ है या जो ऑब्जेक्ट की विड्थ है, ये वो पॉइंट है जो कि एक्चुअल विड्थ कही जा सकती है या इस सिस्टम में, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को क्लियरली आई से देखा जा सकता है क्योंकि ये नियर पॉइंट पर रखा है। तो यहाँ थीटा नॉट को आप लिख सकते हैं सिंपली, थीटा नॉट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एच नॉट बाई डी। अब हम इससे बड़ा अगर देखना चाहते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट को इसके पास लाना पड़ेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं दिखेगा, फटा हुआ दिखेगा या ब्लर्ड दिखेगा। इसलिए अगर हम ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा देखना चाहते हैं तो हमको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। सबसे बेसिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को रखता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को पास ले आता हूँ, इतना पास ले आता हूँ यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से स्मॉल यू है, सच दैट कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली वी इक्वल्स टू कैपिटल डी डिस्टेंस पे बन रही है, यानी जो लाइट रेज रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलेंगी और ह्यूमन आई में, ऑब्जर्वर आई में जाएंगी, ये इमेजेस ये कहाँ से आती हुई अपीयर होंगी, ये उस इमेज से आती हुई अपीयर होगी जो कैपिटल डी डिस्टेंस पे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अब फाइनल इमेज कैपिटल डी यानी नियर पॉइंट पे है तो आई को ये इमेज क्लियरली दिखेगी। अब आप देखें जो एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में वही एंगुलर साइजेस इमेज का है, यानी ऑब्जेक्ट को जो दिखाई दे रहा है एंगुलर साइज वो थीटा आई है, यानी ऑब्जेक्ट के पास आने के बावजूद ये ऑब्जेक्ट इस आई को क्लियर दिखेगा लेकिन ये नहीं दिखेगा, ये वाली इमेज दिखेगी तो बड़ी साइज दिखेगी। सो यहां पे अगर अपन इमेज का साइज देखें, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन बेस सिचुएशन या इसको नॉर्मल सिचुएशन भी कहा जा सकता है, और यहां पर हम बात करें साइज ऑफ इमेज एट नियर पॉइंट, सो ये होगी थीटा आई और दिस विल बी रिटन एज एच नॉट बाई यू।
क्योंकि एच नॉट बाई यू लिखा जा सकता है एंड यू वैल्यू आप इजीली बाय यूजिंग लेंस फार्मूला निकाल सकते हैं. दैट आई एम लिविंग एज एन एक्सरसाइज, यहाँ पे यू का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल डी एफ बाई डी प्लस एफ. आप लेंस फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं. एफ इज द फोकल लेंथ, आप सब्सटीट्यूट करेंगे यू, तो यहाँ पे थीटा आई का वैल्यू हमारे पास आता है. व्हेन यू सब्सटीट्यूट इट, इट इज एच नॉट डी प्लस एफ डिवाइडेड बाई डी एफ. नाउ दिस द सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास इमेज का एंगुलर साइज आ गया. अब सिंपल माइक्रोस्कोप का अगर नियर पॉइंट की इमेज पोजिशन के लिए मैग्निफिकेशन की बात की जाए, इजीलिए आप निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर इमेज एट नियर पॉइंट. इसको मैग्निफिकेशन एन कहते हैं. एन स्टैंड्स फॉर नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन. दिस यू कैन सिंपली राइट एज थीटा आई बाई थीटा ओ. व्हेन यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, थीटा इज एच ओ मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस एफ डिवाइडेड बाई डी एफ. और थीटा ओ यू कैन राइट एज एच ओ डिवाइडेड बाई डी, वेयर एच ओ एंड डी गेट्स कैंसल आउट. मैग्निफिकेशन एट नियर पॉइंट वी आर गेटिंग इज वन प्लस डी बाई एफ. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अ मैग्निफिकेशन बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट फार पॉइंट. नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी पे. यानी अगर ये वाली इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो ये ऑब्जेक्ट किस पोजिशन पे होना चाहिए. दिस क्वाइट ऑब्वियस, यू की वैल्यू फोकल लेंथ के बराबर होगी. सो यहीं पर मैं साथ में लिख सकता हूँ फॉर फार पॉइंट इमेज फॉर्मेशन. अब हम स्प्लिट कर देते हैं. मैग्निफिकेशन एट फार पॉइंट वी कैन राइट एज थीटा आई बाई थीटा ओ, जिसमें थीटा आई को हम सब्सटीट्यूट करेंगे एच ओ डिवाइडेड बाई यू. यू को लिखा जा सकता है एफ. सो दिस विल बी एच ओ डिवाइडेड बाई एफ डिवाइडेड बाई एच ओ डिवाइडेड बाई डी. सो दिस कम्स आउट टू बी डी बाई एफ. ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है. एक सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी या फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई पे प्रोड्यूस की जाती है, डिफेक्टिव ह्यूमन आई भी हो सकती है. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि फार पॉइंट गिवन है तो आपको यहाँ पे जो यू लेना है वो इस तरह से निकालना पड़ेगा ताकि जो फाइनल इमेज है वो इस ह्यूमन आई की फार पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रही है. कॉरस्पॉन्डिंगली आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे. यहाँ पे हमने एक आइडियल ह्यूमन आई के लिए निकाला तो फार पॉइंट मैग्निफिकेशन इज डी बाई एफ और नियर पॉइंट मैग्निफिकेशन इज वन प्लस डी बाई एफ. दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप. चेकलिस्ट बहुत छोटी सी है लेकिन पॉइंट्स टू द पॉइंट हमको कवर करने हैं. फॉर्मूले डायरेक्ट देखने और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन जेई मेन में या नीट में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, थोड़े से ट्विस्टेड भी पूछे जा सकते हैं. जेई एडवांस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेई एडवांस बहुत ज़्यादा बड़ा इतना क्रिटिकल पॉइंट नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जेई एडवांस में भी काम का है ये पूरा सेक्शन. सो अगर हम यहाँ पे देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेसिक आइडिया आपको होगा, एक की जगह दो लेंसेज यूज़ होते हैं, एक आईपीस होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है. ह्यूमन आई जिस तरफ से ऑब्जर्व करती है इमेज को दैट साइड लेंस इज कॉल्ड एज आईपीस. बड़ा लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है. ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में रखा जाता है. ऑब्जेक्ट रखा जाता है एट ए डिस्टेंस यू सो दैट ऑब्जेक्ट की ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस एक इमेज प्रोड्यूस होती है एट ए डिस्टेंस वी. दिस इज वॉट वी कॉल एन इंटरमीडिएट इमेज. सो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है जिसने ऑब्जेक्ट की एक इंटरमीडिएट इमेज बनाई है, इसका डायरेक्ट आप मैग्निफिकेशन एम ओ लिख सकते हैं माइनस वी बाई यू, जो आपका डायरेक्ट फार्मूला है. देर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन इन दिस. नाउ इन दिस सिचुएशन जो ये इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट की वजह से बनती है, ये आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो एट ए डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट यानी कैपिटल डी डिस्टेंस लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पे बनती है इस आई से. वी कंसिडर कि आई इस आईपीस लेंस के बिल्कुल पास में है और इन द सिचुएशन आई को फाइनल इमेज ये एच आई दिखाई देती है. तो दिस थीटा आई इज द एंगुलर साइज ऑफ दिस इमेज जो रिलेटिवली लार्ज होता है और उसकी कंडीशन यही है कि जो एच वन इंटरमीडिएट इमेज बन रही है वो इस आईपीस लेंस से फोकल पॉइंट के अंदर बननी चाहिए, तभी फाइनल इमेज एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी बनेगी.
सो इन दिस सिचुएशन अगर इस आईपीस लेंस की बात करें तो दिस बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्टिव लेंस से प्रोड्यूस किया गया है और फाइनल इमेज एट अ डिस्टेंस डी बनाई गई है. ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी या फार पॉइंट पे भी बनाई जा सकती थी, दैट्स नॉट एन इश्यू, डिपेंडिंग अपॉन कि हमको इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी दो लेंस वाले माइक्रोस्कोप से फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे चाहिए या फार पॉइंट पे चाहिए. सो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस अगर देखा जाए, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज माइनस वी बाय यू. मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक नियर पॉइंट पे विच इज़ वन प्लस डी बाई एफ ई, और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस एट फार पॉइंट दिस रिटर्न एज डी बाई एफ ई. आपको ध्यान होगा जस्ट अभी इससे पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट इज गिवन एज वन प्लस डी बाई एफ एंड फॉर फार पॉइंट इट इज गिवन एज डी बाई एफ. सो इन दिस सिचुएशन मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस हमारे पास है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, और दो सक्सेसिव रिफ्रैक्शन से इमेज प्रोड्यूस हो रही है. सो फाइनली अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी रिटन एज मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाइड बाई मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. सो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट नियर पॉइंट अगर अपन बात करते हैं तो ये होगा नियर पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव माइनस वी बाई यू मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस डी बाई एफ ई. और अगर हम मैग्निफिकेशन फॉर फार पॉइंट इमेज प्रोडक्शन बात करेंगे फॉर अ नॉर्मल आई तो दिस माइनस वी बाई यू मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई. सो दिस द वे हाउ वी डिफाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लेकिन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहें तो फिजिक्स गैलेक्सी बुक में से देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस में से देख सकते हैं, एवरीवेयर यू विल बी एबल टू फाइंड एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट केसेस. इट इज़ नॉट जस्ट लाइक यूजिंग दीज फार्मूलाज यू नीड टू गेट द फाइनल रिजल्ट. क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो आई ऑब्जर्वर की है वो परफेक्टली आइडल आई नहीं है, वो डिफेक्टिव है, यानी उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी की बजाय कुछ हो रहा है और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर की बजाय कुछ हो रहा है. सो दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन फॉर दैट स्पेसिफिक आई विल गेट चेंज डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सिचुएशन. तो जब फाइनल इमेज आप बनाएंगे तो गिवन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, दैट्स इट. सो दिस इज द वे हाउ वी डील विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्यूब लेंथ. ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब बात होती है तो ट्यूब लेंथ होती है आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस वी कॉल एज एलटी. दिस इज ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. सो ट्यूब लेंथ की जब हम बात करते हैं तो ये ट्यूब लेंथ होती है वी प्लस द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव. सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको ट्यूब लेंथ को एज अ कॉन्सेप्ट ले रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्ट ट्यूब लेंथ के ऊपर पूछे जाते हैं. सो पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, आई एम गोइंग टू टेक अप इज ट्यूब लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. सिचुएशन ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, दो केसेस पॉसिबल हैं. पहले केस में हम ये मान के चलते हैं कि जो फाइनल इमेज माइक्रोस्कोप से बन रही है वो नियर पॉइंट पे यानी डी डिस्टेंस पे बन रही है. सेकेंड केस हम ये लेके चलेंगे कि जो फाइनल इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे यानी फार पॉइंट पे बन रही है. किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं दोनों पॉइंट के ऊपर या इनके बीच में जब इमेज बनती है तो आई के लिए वो कंफर्टेबल सिचुएशन में लीस्ट स्ट्रेन के अंदर आई उस इमेज को क्लियरली देख सकती है. सो हम जब ट्यूब लेंथ की बात करते हैं तो ट्यूब लेंथ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड, इट इज़ द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस. सो यहाँ पे अगर इस वी की बात करेंगे सो वी इज द इमेज डिस्टेंस प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्टिव एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट इन बिटवीन द ट्यूब. और ये वाली जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज यू ई और इट इज रिटन एज एफ ई. मैंने यू ई और एफ ई क्यों लिखा है? यू ई वो सिचुएशन है जिस केस में इमेज डी पे प्रोड्यूस हो रही है और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे प्रोड्यूस हो रही होगी तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होगी. बिकॉज आप जानते हैं कि आई के लिए इस लेंस में इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे पड़ा होगा यानी यहाँ से एफ ई डिस्टेंस पे रखा होगा. सो दो केसेस, यानी ये वाला केस है नियर पॉइंट के लिए, ये वाला केस है फार पॉइंट के लिए. तो अगर हम बात करें ट्यूब लेंथ फॉर नियर पॉइंट इमेज प्रोडक्शन,
by this compound microscope. So tube length for near point can be given as, this distance will be V plus UE. This we can write V plus UE. Or yahan pe tube length at near point aap likh sakte hain V in terms of U or FO, easily you can denote. This will be UFO divided by U minus FO. Lens formula se humne calculate kiya hai. Similarly, UE nikala ja sakta hai. FE is given to us. D is the distance where image is being produced. So this will be DFE divided by D plus FE. Ye values maine nikali hai simply lens formula se alag alag for objective and eyepiece. I am not deriving it. I am leaving it as an exercise for you. Kyunki main maan ke chal raha hu geometrical optics mein lens formula aapne achhi tarah se padha hai. As soon as this checklist class gets over, I want you to obtain these results. Otherwise, ye results aapko tips pe yaad rakhne hi hain. This is for the tube length at near point. Aur isi tarah tube length at far point jab hum baat karenge. So V will remain same plus UE will change to FE. क्योंकि इंटरमीडिएट इमेज जब इस आईपीएस के फोकल पॉइंट पे बनेगी तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जाएगी. सो दिस वी कैन राइट एट फाइनल ट्यूब लेंथ एट फार पॉइंट इज यू एफ ओ बाई यू माइनस एफ ओ प्लस एफ ई. तो ये रिजल्ट्स आप ध्यान रखें क्योंकि ट्यूब लेंथ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये वाले रिजल्ट्स भी आपको टिप्स पे दिमाग में रखने हैं. सो सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द बेसिक डिफरेंस इज देयर इन मैग्निफिकेशन. एक की जगह दो लेंस यूज हुए हैं तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाता है. ट्यूब लेंथ पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हमने डायरेक्ट रिलेशंस ले लिए दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप. टेलीस्कोप का बेसिक मीनिंग आपको पता है, इट इज यूज टू ऑब्जर्व वेरी फार लोकेटेड और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट अ नियर बाई पोजिशन. क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एंगुलर साइज छोटा होता है, और जब वो पास आता है तो उसका एंगुलर साइज बढ़ जाता है. तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल बाई विच अ टेलीस्कोप मैग्निफाइज एन ऑब्जेक्ट विच इज लोकेटेड वेरी फार अवे. जब बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, सन है, मून है, कोई प्लैनेट है, सो उनका एंगुलर साइज बहुत ही छोटा होता है. और जब किसी टेलीस्कोप के जरिए देखा जाता है तो उसी ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज हमसे हमारी आई से कैपिटल डी यानी नियर पॉइंट डिस्टेंस पे बनाई जाती है. सो अगर नियर पॉइंट डिस्टेंस पे इमेज बनाई जा रही है, इसका मतलब उसका एंगुलर साइज बड़ा हो जाएगा. दैट इज द वे हाउ टेलीस्कोप मैग्नीफाइज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. आइए इसका वर्किंग डायग्राम देखते हैं. पोजी प्लीज डायग्राम को ओपन करें. थैंक यू पोजी. सो हियर यू कैन सी अगेन देर आर टू लेंसेज यूज इन केस ऑफ अ टेलीस्कोप. वन इज एन आई पीस लेंस and other is the objective lens. Unlike to the case of a microscope, यहाँ पे objective lens बड़ा होता है क्योंकि objective के aperture को बड़ा होने का इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत दूर अगर object है तो number of light rays जो होती हैं या ये कहें intensity of light जो होती है वो बहुत faded होती है, तो ज़्यादा light rays या ये कहें ज़्यादा area चाहिए ताकि sufficient amount of light intensity या power capture की जा सके, so that final image can be seen. That's why जब आप देखेंगे तो बहुत ही distant जो objects होते हैं उनकी image देखने के लिए बहुत बड़े साइज के टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है, ताकि उनके ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर इतना ज्यादा हो कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइट एटलीस्ट एंटर हो सके उस लेंस में से, इतनी पावर हो कि ह्यूमन आई से फाइनल इमेज को देखा जा सके. सो आइए वर्किंग की बात करते हैं. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स की जो इंसिडेंट रेज है उन सबको पैरेलल माना जा सकता है क्योंकि इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही हैं, और जो भी लेंस पे एंगल सबटेंड होता है उसको थीटा नॉट या ऑब्जेक्ट एंगल कहा जा सकता है. यहाँ पे हम बेस सिचुएशन जो माइक्रोस्कोप के लिए बात करी थी उस बारे में बात नहीं करेंगे. यहाँ पे कंसिडर करेंगे जो भी एंगल सबटेंडेड बाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन एनी पॉइंट ऑन अर्थ है वो ऑब्जेक्ट का एंगुलर साइज है, दैट इज थीटा नॉट. सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एफ ओ है, तो यहाँ से एफ ओ डिस्टेंस पे इंटरमीडिएट इमेज बनेगी h1 हाइट की फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज लोकेटेड एट इन्फिनिटी और वेरी फार अवे. दिस इमेज एक्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, और फाइनल इमेज फिर पीछे प्रोड्यूस होगी अगर ये वाली इमेज इस आई पीस के ऑप्टिक सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में है, तो वो बनाना ही पड़ेगा ताकि फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे प्रोड्यूस हो और आई को नियर पॉइंट के ऊपर उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज दिखे. यानी अब ये जो एच आई हाइट की इमेज बनी है जो नियर पॉइंट पे बन रही है, दिस सबटेंडिंग एन एंगल थीटा आई एट द आई पीस. सो इन दिस सिचुएशन इफ वी टॉक अबाउट एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दिस सिचुएशन यू कैन टॉक थीटा ओ, और थीटा ओ की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं
If this is FO, this is H1, so this can be written as H1 by FO. Or angular size of image, agar hum yahan pe baat karein, to theta I can be written as, if this distance is UE, then we can write it H1 divided by UE. UE is such that final image due to eyepiece is produced at near point. So, aap UE ki value D or FE ke terms mein easily lens formula se nikal sakte hain, jo value hoti hai DFE by D plus FE. Ya aap alag se class ke lens formula laga ke nikal lijiyega ki agar object UE pe rakha hua hai aur image D pe ban rahi hai, focal length of convex lens FE hai, to UE D or FE mein relation kya hoga? That is simply by lens formula you can calculate. Sign convention ka dhyan rakhna hai, we are using magnitude, so you must not get confused with that. और एंगुलर साइज अगर हमारे पास आ गया है तो वी कैन नाउ राइट अबाउट द मैग्निफिकेशन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. सो अब हम बात करते हैं पहले नियर पॉइंट पे जब इमेज प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा. तो मैग्निफिकेशन एट नियर पॉइंट इमेज प्रोडक्शन, बिकॉज बोथ द पॉइंट्स हैव टू बी separately clarified. Yeah, magnification of a telescope at near point hum baat kar rahe hain. So this will be taken as theta I by theta O. So when you substitute the value, theta I is H1 divided by UE divided by this H1 by FO. So yeah, magnification at near point aa jata hai hamare paas, H1 gets cancelled out. This FO divided by UE, UE ka value hai hamare paas DFE divided by D plus FE. And if you just rearrange the terms, this gives us FO upon FE multiplied by 1 plus FE by D. So, the result, ye formula aapko pata hona chahiye, nahi bhi pata hai, lekin basic idea clear hai. I have explained everything because kai baar GE Advanced mein questions puche ja sakte hain, jahan pe analysis ki zarurat pade, ya do lenses ko aise adjust kiya gaya hai, kisi object ki image hai, generally optical instrument ke naam se nahi aayega question, lekin direct situation ke upar based aa sakte hain. JEE Main aur NEET point of view se aapke liye formula important hai that you need to keep in mind. And similarly you can calculate the magnification when image is produced at far point. Ye baat clear hai ki jab ye image far point pe chali jayegi to UE kitna ho jayega. You know well ki UE ka value change hoke ho jayega FE, kyunki image infinity pe usi case mein banegi jab इस FE जो आईपीस लेंस है इसका ऑब्जेक्ट इससे फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा. इफ दिस इज FE, यहां पे ये वाली वैल्यू जो थीटा ये, इट विल चेंज टू H1 बाय FE. सो मैग्निफिकेशन एट फार पॉइंट इमेज प्रोडक्शन आप यहां लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट फार पॉइंट इमेज. सो यहां डायरेक्टली आप लिख सकते हैं this H1 by FE upon H1 by FO, so this will change to FO by FE only. So these two points have to be made very clear to all of you. Dono formula acche se dhyan mein rakhein aur inhi cheezon ke saath chalein, wo zyada zaruri hai. Ab yahan pe ek aur concept hai jo humne microscope ke bare mein kiya tha, that was the tube length of a refracting telescope, wo bhi saath saath cover kar lete hain. Poji please clear karo. Thank you Poji. So स्टूडेंट यहाँ पे हम क्विकली रिलेशंस लिख देते हैं कि ट्यूब लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दो केसेस में क्या होगी, जब इमेज नियर पॉइंट पे बनती है या इमेज फार पॉइंट पे बनती है. सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्यूब लेंथ फॉर नियर पॉइंट सेटिंग ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है. दिस ऑलवेज एफओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर यानी इन्फिनिटी पे मान के चलते हैं, तो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो हमेशा एफओ पे ही बनेगा. और जब ये नियर पॉइंट पे बन रही है तो यूई का वैल्यू है डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई. सो ट्यूब लेंथ होगी हमारे पास यूई प्लस एफ ओ, यूई का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई प्लस एफ ओ. तो रिलेशंस ध्यान में रखें, ट्यूब लेंथ फॉर near point setting of astronomical telescope is this, tube length for far point setting. अगर ये image infinity पे बन रही है तो ये वाली distance जो है वो UE की जगह FE होगी, तो directly you can write this equals to FE plus FO, क्योंकि यहाँ पे UE का value आप FE लेंगे, that's it. सो ये चीज़ दोनों, ये जो दोनों ट्यूब लेंथ है आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड्स में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रोसीड कर सकते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पोजी प्लीज़ क्लियर करो. थैंक यू पोजी.
सो स्टूडेंट एक क्विक पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आप अगर सिलेबस में देखेंगे तो डायरेक्ट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के नाम से आपको टेलीस्कोप नहीं मिलेगा, बट कॉन्सेप्चुअली दिस यूजफुल, नॉट स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन और नीट, बट जेई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई ऑलवेज फोकस कि आप कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट पर फोकस करें रेदर देन जस्ट क्रैमिंग फार्मूलाज. सो क्विकली आप देख सकते हैं जब रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि इंस्टीड ऑफ लेंसेज यहाँ पे कोई ना कोई मिरर यूज़ हो रहा होगा. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. अपने नॉर्मल टेलीस्कोप के अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, उसके बाद एक आईपीस लेंस होता है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह एक मिरर यूज़ किया जाता है. दर इज़ अ बिग साइज्ड ट्यूब इन विच एट वन एंड वी प्लेस अ कॉनकेव मिरर. बड़ी साइज का पर्पज़ मैंने आपको बताया था, जब बहुत ही दूर बहुत फेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट इंटेंसिटी कम आती है तो उन केसेस के अंदर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज़ यूजफुल टू प्रोड्यूस अ डिसेंट विजिबिलिटी ऑफ इमेज. एक ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है. जो भी डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है इस ट्यूब को अप्रॉक्सीमेटली अलाइन किया जाता है उस ऑब्जेक्ट की लाइट रेज से, ताकि ये लाइट रेज आए और इस कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होके इसके फोकल पॉइंट पे इमेज प्रोड्यूस करें. लेकिन इसके फोकल पॉइंट पे जाने वाली इमेजेस जो होती हैं वो एक 45 डिग्री पे इंक्लाइन मिरर पे गिरती हैं और इस मिरर से निकलने वाली लाइट रेज एक लेंस से पास होती हैं. दिस द आईपीस लेंस. दिस द बेसिक डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ यू कैन से अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. जो लाइट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं वो इस 45 डिग्री पे अलाइंड मिरर से रिफ्लेक्ट होके फाइनली इस लेंस में से पास होती है और फाइनली यहाँ पे ह्यूमन आई में जाती है. डिफरेंस कुछ भी नहीं है उस केस में और इस केस में. सेम फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के यूज़ होंगे, चाहे डी डिस्टेंस पे यानी नियर पॉइंट पे इमेज बने या फार पॉइंट पे इमेज बने. फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आईपीस लेंस तो आईपीस लेंस रहता है लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर हो जाता है. साइज़ बड़ा इतना होता है कि इतने बड़े लेंसेज प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, कंस्ट्रक्शन महंगा होता है, रेदर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है इतने बड़े साइज़ के हैवी लेंसेज को प्रॉपरली माउंट कर पाना. इसलिए बड़े साइज़ के जब टेलीस्कोप बनाए जाते हैं तो वो रिफ्लेक्टिंग नेचर के बनाए जाते हैं. बस इस चीज़ को कंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान रखना है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एक और पॉइंट मैं यहीं पर ले लेता हूँ, 11 पॉइंट, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. This also you need to know for the purpose of knowledge. Normal reflecting refracting telescope की जब हम बात करते हैं तो normal telescope के अंदर एक हमारे पास eyepiece lens होता है और एक हमारे पास objective lens होता है और image infinity पे होती है. लेकिन जो final image बनती है हमने देखा था refracting telescope में वो inverted बनती है. अगर ऊपर से light rays आ रही है image नीचे बनेगी. So erected image बनाने के लिए एक third lens यहाँ बीच में introduce किया जाता है, intermediate lens, ताकि जब infinity से light rays आए तो ये infinite वाली light rays जब किसी point पे intermediate image produce करेंगी which is of height h1, ये इंटरमीडिएट लेंस इस तरह का रखा जाता है F1 की ये एग्जैक्टली इससे 2F1 डिस्टेंस के ऊपर इमेज बने. सो दैट जो फाइनल इमेज बनेगी वो इसी साइज की H1 बनेगी और ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 2F1 बनेगी. फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये वाला लेंस जो उल्टी इमेज इंटरमीडिएट इमेज है उसको सीधा कर देता है. दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड इरेक्टिंग लेंस. रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम. उसके बाद फाइनली जो लाइट रेज जाती हैं वो इसी तरह से जाती हैं कि फाइनल इमेज जो प्रोड्यूस होगी ये वाली इमेज एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द आईपीस प्रोड्यूस होती है. बाकी कहीं कोई फर्क नहीं है. डिफरेंस इतना सा आ जाएगा कि आपकी जो ट्यूब लेंथ है वो 4F1 डिस्टेंस से इंक्रीज हो जाएगी. लेंथ कैलकुलेशन यानी डिस्टेंस कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे तो ये 4F1, 2F1 और 2F1 दो एक्स्ट्रा डिस्टेंसेज यहाँ इंट्रोड्यूस होती हैं रेक्टेंगल लेंस की वजह से. लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का एडवांटेज सिर्फ इतना सा है कि जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो इरेक्टेड होती है, ओरिएंटेशन बेटर होता है. क्योंकि जब स्काई चार्ट में देख के डिस्टेंट प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की इमेज प्रोड्यूस करनी होती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज कि एक साइड में गैलेक्सी है लेकिन जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो दूसरी साइड में दिखाई देगी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द टेलीस्कोप. दैट्स व्हाई टू ऑब्जर्व
वेरी डिस्टेंट टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक इरेक्टिंग लेंस होता है ताकि ऑब्जर्वेशन प्रॉपर हो, परसेप्शन प्रॉपर हो ऑब्जर्व करने का. बाकी तो ऑब्जर्वेशन दोनों में सेम है, सिर्फ इरेक्टेड और इन्वर्टेड इमेज का फर्क है. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. पोजी प्लीज क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट, हम ऑलमोस्ट इस चेकलिस्ट के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑल्दो ये टॉपिक डिफ्रेक्शन से ज़्यादा रिलेटेड है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स. नेक्स्ट चेकलिस्ट में हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, बट यहाँ पे डायरेक्ट कुछ रिलेशन है जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही इसे हम कंक्लूड करेंगे. डिफ्रेक्शन को हम सेपरेटली कवर करेंगे. सो सबसे पहले हम रिजोल्यूशन वर्ड की बात करें, तो आई थिंक आप सबको पता है रिजोल्यूशन इज डिफाइंड फॉर द फाइननेस of any picture, for the fineness of any given object, जिसे हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो कितना fine दिखाई दे रहा है. या more precisely we would say when we talk about resolution, it directly or indirectly indicates the separation between two points on a single object. Like अगर हमारे पास ये दो points हैं which are separated by a distance d, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारी आईज से या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से दूर करते जाते हैं तो उसका साइज हमें छोटा अपीयर होता है, बिकॉज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आर आई इज गेटिंग रिड्यूस. सिमिलरली अगर ये दो पॉइंट है एट अ सेपरेशन स्मॉल डी, जब इनको हमारी आईज से दूर करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इन दोनों का साइज आई के लिए इतना छोटा हो जाएगा कि ये दोनों डॉट्स एक दूसरे में मर्ज हुए हुए अपीयर होंगे. या इसको हम कह सकते हैं अवर ह्यूमन आई विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व द टू डॉट्स सेपरेटली और दीज टू पॉइंट्स सेपरेटली. सो दिस इज द वे हाउ रिजोल्यूशन मैटर्स अ लॉट. अगर एक शार्प इमेज बन रही है वो इतना दूर चली जाए कि उसके पॉइंट्स आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएं, तो वो जो शार्प इमेज है वो ब्लर्ड दिखाई देगी या उसका एक्चुअल शेप हम परसीव नहीं कर पाएंगे. इसी तरीके से जैसे हमारी आई की रिजोल्यूशन लिमिट है कि अप टू सम डिस्टेंस ओनली विल बी एबल टू रिजोल्व द टू डॉट्स सेपरेटली एज टू डॉट्स, जिससे ज़्यादा दूर चले गए तो एक सिंगल मर्ज्ड ऑब्जेक्ट की तरह से अपीयर होगा. उसी तरीके से हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एक रिजोल्यूशन लिमिट होती है. इस रिजोल्यूशन लिमिट को बताया जाता है द एंगल सबटेंडेड बाय द सिस्टम ऑन आर आई. जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, इफ दिस ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का ऑब्वियसली एक अपर्चर होता है आई लेंस, जिसमें से लाइट आई में एंटर करती है. नाउ इन दिस सिचुएशन इफ दिस इज आई लेंस अपर्चर कैपिटल डी, इसका मतलब इस डी अपर्चर के आई लेंस में से लाइट एंटर होगी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एंगल थीटा व्हिच इज सबटेंडेड बाय दीज टू डॉट्स ऑन ह्यूमन आई, इफ दिस एंगल इज थीटा द सेपरेशन बिटवीन ह्यूमन आई एंड दीज टू डॉट्स इज एक्स. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन एज डी बाय एक्स, बिकॉज हियर थीटा इज वेरी स्मॉल. Now, when we talk about limit of resolution, वो diffraction में हम detail में पढ़ेंगे. आपको direct formula दिमाग में रखना है कि ये जो angle theta होता है resolution limit, when we talk about resolution limit or limit of resolution of human eye, यहाँ पर हम human eye की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप होगा तो जो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जिस पर डायरेक्ट लाइट गिर रही है उसके डायमीटर की बात करेंगे हम. सो दिस थीटा इज गिवन एज 1.22 लेमडा बाय कैपिटल डी. दिस द एक्सप्रेशन यूज फॉर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. इसका डेरिवेशन इस सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है. इसके बारे में हम डिफ्रेक्शन में दोबारा पढ़ेंगे. So if we talk about this value, so up to what distance these two points can be resolved by human eye separately, आप इन दोनों angles को equate कर दीजिए. If we equate it to small d by capital X, so this gives us the value of X, which is 1. The small d capital D, X का value अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो here the value of X we are getting is small d capital D divided by 1.22 lambda. This is the distance up to which these two points will be resolved by human eye correctly. If this is an ideal eye, there are no defects reported for this eye, then this is the way how we calculate it. Agar hamare paas koi microscope, telescope bhi aur uske objective ka diameter given hai, we can use this formula. Mainly this is used for telescope. Microscope pe limits of resolution generally kaam nahi aata, kyunki microscope mein to hum bahut hi fine objects ko hi magnify karke dekhte hain. Whereas in case of telescope, jo distant objects hote hain, kai baar aisa hota hai ki
टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स में दे आर सो क्लोज कि टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हाई नहीं है. उसका रिजॉल्विंग पावर की टर्म्स में कहा जाता है इफ इट इज नॉट वेरी हाई द टेलीस्कोप विल नॉट बी एबल टू रिजॉल्व द क्लोजली स्पेस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली और सेपरेटली. दैट्स वाई लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा काम आता है आइदर इन जनरल केसेज ऑफ ह्यूमन आई और मेनली इन केसेज ऑफ टेलीस्कोप. तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है. माइक्रोस्कोप में टेलीस्कोप में कई केसेस में एक और टर्म काम आती है न्यूमेरिकल अपर्चर. मैं यहीं पे ले लेता हूँ सो दैट वी कैन कंक्लूड दिस चेकलिस्ट विद पॉइंट नंबर 12. दिस न्यूमेरिकल अपर्चर दिस आल्सो अ टर्म विच इज समहाउ रिलेटेड विद रिजोल्यूशन लिमिट और रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ऐसी रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि एक ऐसा टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप बनाना है जो कि एक गिवन ऑब्जेक्ट है जिसकी सेपरेशन फिक्स है, उसके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, और हमको इस तरह का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है कि इस तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करना है कि वो उनको क्लियरली रिजॉल्व कर पाए. तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन से या इस फॉर्मूले से हम रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं. इन पैरेलल डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक टर्म डिफाइन की जाती है न्यूमेरिकल अपर्चर और इट इज ऑल्सो एब्रीवेटेड एज NA. न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू ली जाती है 0.61 लेमडा बाई स्मॉल डी. ये भी आप एक्सप्रेशन ध्यान में रखिए न्यूमेरिकल अपर्चर का. इसके डेरिवेशन की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है. उसके लिए आप ये कह सकते हैं यहाँ पे स्मॉल डी जो है दिस द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स टू बी डिस्टिंक्टली सीन by optical instrument. To be distinctly seen by optical instrument, lambda is the wavelength of light. 0.61 आपको लग रहा होगा इस formula का half क्यों किया, वो इसलिए किया गया क्योंकि numerical aperture half angle of cone of light define किया जाता है जिस light के cone में object से या उस fine specimen से light प्रोपागेट कर रही है इनटू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. आप इससे रिलेट ना करें, यहाँ से लाइट जब प्रोपागेट करेगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में देन वी डिफाइन इट. सो लेट्स नॉट गेट इनटू द डेरिवेशन पार्ट. एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जेई मेन या नीट में आएंगे. जेई एडवांस में दिस नॉट इन द सिलेबस सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट. जेई मेन या नीट में कोई भी क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्टली यूजिंग द एक्सप्रेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज. सो हियर आई कंक्लूड दिस चेकलिस्ट. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट छोटा सा टॉपिक था, वी हैव कवर्ड. वेरी सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चेकलिस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड. विश ऑल द बेस्ट.